बिपरजॉय का अलर्ट। गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में खतरनाक हो चुका तूफान बिपरजॉय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी असर दिखा सकता है। 18 और 19 जून को राजस्थान से सटे ग्वालियर चंबल में तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा रहेगी। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले भी प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बड़े हिस्से में दिन रात में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं बारिश होगी। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में तेज बारिश हो सकती है और इसके बाद असर कम हो जाएगा। तो ग्वालियर चंबल संभाग में बिपरजॉय का असर देखिएगा, क्योंकि गुजरात तट से टकराया बिपरजॉय और उसके बाद वो राजस्थान की ओर बढ़ा है। राजस्थान में उसकी स्पीड कम हुई है, लेकिन राजस्थान से सटे हुए ग्वालियर चंबल संभाग में इसका साफ तौर पर असर दिखाई देगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बरसात की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले प्री मॉनसून की जो गतिविधियां हैं वो भी राज्य में जारी रहेंगी, तो गर्म हवा और लू का असर कम रहेगा प्रदेश में। लेकिन बिपरजॉय तूफान को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका असर देखा जाएगा। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में दिखेगा। 21 और 22 जून को बिपरजॉय तूफान मौसम बिगाड़ेगा। गर्म हवाएं और लू से जो है हालांकि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तूफान से भी सतर्क रहने की जरूरत है। गुजरात में भारी नुकसान इस तूफान ने पहुंचाया है और उसके बाद राजस्थान में भी हवाएं चल रही हैं लगभग 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन जैसे जैसे ये मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी और राजस्थान की सीमा से सटे हुए ग्वालियर चंबल में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे ज्यादा असर क्योंकि बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बिपरजॉय का नजर आएगा, मौसम विभाग से आपने बातचीत की हो, कितना असर आखिर दिखेगा, कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, अभी चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कल से जो बिपरजॉय का जो असर है वो ग्वालियर चंबल संभाग में भी नजर आ रहा है, क्योंकि कल दोपहर के बाद हवाएं चलने लगी हैं, लेकिन अभी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की के हिसाब से चल रही है। जो मौसम विभाग से हमारी बात हुई है, वैज्ञानिकों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसका, चूंकि राजस्थान के सबसे नजदीक ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिले आते हैं जिसमें ग्वालियर है, भिंड है, श्योपुर है, मुरैना है, तो इनमें 18 तारीख से काफी असर देखने को मिलेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो हवाएं चलेंगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हवाएं चलेंगी, तो उसके बाद क्षेत्र में तेज आंधी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ 18 तारीख को बारिश होने की संभावना है, लेकिन 19 तारीख को तेज बारिश होने की बात कही जा रही है कि 19 तारीख को बहुत तेज बारिश हो सकती है अंचल में। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि जहां नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं या ऐसे इलाकों में जहां रहते हैं लोग, जहां जल भराव हो सकता है, तो उन इलाकों में वो सतर्कता पूर्वक रहे, सावधानी पूर्वक रहे। हालांकि प्रशासनिक तौर पर कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया है, केवल मौसम विभाग द्वारा अपने स्तर पर कहा गया है। साथ ही अगर बारिश होती है तो चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में प्री मानसून जून में ही रहता है, 20 तारीख के बाद मानसून आ जाता है, अभी लोग बारिश की दरकार है, किसानों को भी आवश्यकता है कि खेतों में जब बारिश आएगी तो उसके बाद वो अपनी फसलों के लिए जुताई खेतों की कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये बारिश अगर आती है तो एक लिहाजा से काफी अच्छी भी है, और अगर ज्यादा तेज बारिश आती है तो लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही जो क्षतिग्रस्त इमारतें और भवन हैं उनके पास से भी दूर रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसे समय अगर तेज हवाएं जब चलती हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कई जो धराशायी इमारतें होती हैं जो क्षतिग्रस्त होती है वो धराशायी हो सकती है। इसके अलावा जो पुराने दरख्त हैं वो गिर सकते हैं, तो इसको लेकर हो सकता है कि आज शाम तक प्रशासन, जो जिला प्रशासन है या जो अंचल के तमाम
जिले के प्रशासन ने वो मौसम विभाग से चर्चा करने के बाद अलर्ट कुछ जारी कर सके और लोगों को बता सके। सतर्क रहना क्योंकि हमने गुजरात में देखा है असर काफी ज्यादा हुआ है, कई घटनाएं भी सामने आई है, 5 लोगों की मौत भी हुई जब तट से टकराया। जाहिर तौर पर ग्वालियर चंबल में इसका साफ तौर पर असर दिखेगा और ऐसे में कोई भी रिस्क यहां पर प्रशासन लेना नहीं चाहेगा। और जो कच्चे मकान है जहां पर लोग रह रहे हैं कच्चे मकानों में, वहां से उन लोगों को हटाया जाएगा। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि आज शाम को प्रशासन की एक बैठक होगी और मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस किस इलाके से होकर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। मान लीजिए मुरैना से अगर ग्वालियर जो ट्रंप लाइन है अगर इधर ज्यादा असर पड़ता है तो इन इलाकों को हाई अलर्ट जोन में रखा जाएगा। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे कई ऐसे कच्चे मकान होते हैं जो काफी जर्जर स्थिति में, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कई इमारतें हैं जो रियासतकालीन बनी हुई है ग्वालियर में, वो भी जर्जर स्थिति में, तो ऐसी इमारतों के जो लोग रह रहे हैं आसपास उनके कोई गतिविधियां संचालित है, व्यापार एक या सरकारी दफ्तर है, तो उनको भी अलर्ट किया जाएगा और वहां पूरी तरह से सावधानियां रखी जाएंगी। इसके साथ मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जब तेज हवा चले तो बहुत ज्यादा बड़े वृक्षों के पास खड़े ना हो, विद्युत पोल के पास खड़े ना हो, इसके अलावा कोई ऐसी इमारत के पास खड़े ना हो जो क्षतिग्रस्त हो या फिर निर्माणाधीन हो। अगर कोई इमारत निर्माणाधीन है तो उससे भी नुकसान हो सकता है, तो सुरक्षित स्थानों पर रहें और खास करके बुजुर्गों और जो बच्चे हैं उनको अलर्ट के दौरान जो समय बताया जाए उस समय पर सड़कों पर ना निकलने दें, घरों में उनको सुरक्षित रखें। तो इस तरह की जो अलर्ट है वो जारी कर दिया जाएगा शाम को। अभी चूंकि अभी मौसम विभाग का यह कहना है कि आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार को ऐसा कुछ ज्यादा परेशानी वाली दिन बात नहीं है, लेकिन हवाएं जरूर चल रही हैं और जो मौसम में गर्मी थी उसमें भी कमी आई है, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन रविवार से के बाद रविवार और सोमवार ये दो दिन बताए जा रहे हैं जिसमें सोमवार को काफी हाई अलर्ट पर रहेगा अंचल, इस दिन ज्यादा बारिश होने की संभावना है। रविवार को तेज हवाएं चलेंगी, उसके बाद सोमवार को भी तेज हवाएं चलेंगी, तो हालांकि इतने ज्यादा नुकसान की आशंका ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं जताई जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो हवा का जो बताया गया है गति के 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हवाएं तेज जरूर रहेंगी, लेकिन अगर पहले से सतर्कता रखी जाए और सब कुछ अलर्ट पर रखा जाए तो नुकसान होने की संभावना कम है, और जो वाहन चला रहे हैं अगर तेज हवाएं चलती है तो वो सुरक्षित स्थान पर सड़कों पर ना चलते हुए बस चालक जो सवारी वाहन चालक है वो कुछ देर के लिए रुक जाए जब उन्हें लगे कि तेज हवाएं चल रही। तो इस तरह के जो लोगों को गाइडलाइन जारी आज शाम तक प्रशासन द्वारा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा विनोद। तो एहतियात बरतने होंगे खासतौर पर ग्वालियर चंबल में क्योंकि असर यहां पर ज्यादा बिपरजॉय का नजर आएगा और लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि 18 और 19 जून ये दो तारीख है जहां पर ज्यादा असर देखा जाएगा। 19 तारीख को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है लेकिन असर अभी से देखा जा रहा है और हल्की हल्की हवाएं वहां पर चल रही हैं, बूंदाबांदी भी कहीं हो रही है, लेकिन लगातार प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर रहा है। जहां अगर हवाएं चलती हैं ज्यादा तेज तो पेड़ किनारे खड़े ना हो और जो क्षतिग्रस्त इमारतें हैं उसके आसपास ना जाए, जो निर्माणाधीन इमारतें हैं वहां पर भी लोग ना जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से यहाँ पर बचा जा सके। और अतुल शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ गए हैं। अतुल, बिपरजॉय का असर ग्वालियर चंबल संभाग में तो ज्यादा नजर आ रहा है लेकिन भोपाल में खासतौर पर कितना असर इसका दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर माने उसका तो इसका जो चक्रवाती तूफान है और जो है उसका आंशिक असर कुछ भोपाल पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है जिसमें कुछ हल्की बारिश और तेज हवाओं का जो है मौसम बदलने दिख सकता है। हालांकि देखिए खास असर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक की माने तो ग्वालियर चंबल के साथ रीवा और सागर संभाग पे भी देखने को मिलेगा और यह वो संभाग हो गए जहाँ पे हवाओं की जो है रफ्तार तेज हो जाएगी और भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। बहरहाल लेकिन इस बात में मौसम वैज्ञानिक जरूर ये कहा है कि जिस तरीके से अभी से ही एक्टिविटीज जो धीमे धीमे चालू हो रही है उसकी वजह से जरूर तापमान में कुछ जरूर गिरावट होती हुई दिखाई देगी। खासतौर पर भोपाल के मौसम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे थे वर्षा पिछले कुछ समय से लगातार बीच में गर्मी और तापमान लगातार बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब तापमान में गिरावट जो है होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये जरूर एक बात जो है मौसम वैज्ञानिक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो मानसून है वो राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में देरी से आएगा क्योंकि जिस तरीके से चक्रवाती तूफान का असर जो गुजरात पर दिख रहा है वही असर कहीं मध्य प्रदेश में भी दिखेगा और आसपास महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा जिसकी वजह से जो
जो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होनी थी वो कहीं ना कहीं 20 जून के बाद होगी, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि मानसून इस बार देरी से मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगा बहरहाल। लेकिन ये जरूर हम मौसम विज्ञानी की तरफ से जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो जरूर कहीं ना कहीं इसका केंद्र रह सकता है, यानी कि ज्यादा एक असर जो है वो इन जिलों में होता हुआ जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल बने रहिएगा तो। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, स्वाति कौशिक हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं लाइव। स्वाति, मध्य प्रदेश में तो विपर्जॉय का असर जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह का अलर्ट खासतौर पर मौसम विभाग ने जारी किया? जी बिल्कुल, अगर प्रदेश की बात हम करें तो सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा जो है वो तापमान इस वक्त पूरे प्रदेश का बना हुआ है। गर्मी भयंकर है, लू के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेसिफिकली मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ऐसी जगहों पर असर दिख रहा है गर्मी के रूप में। बारिश होने की संभावना जो है वो बस्तर में बहुत कम दिख रही है, लेकिन अभी तक हर साल जो इस तारीख तक जो मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका होता था वो अभी तक नहीं है। और अभी भी मॉनसून के प्रवेश की जो तारीख बताई जा रही है जिसमें 21 तारीख को 20 से 21 के बीच में जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में मॉनसून प्रवेश करेगा, तो वहीं 24 तारीख तक रायपुर तक पहुंचने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल प्रदेश का जो तापमान है वो 9 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है। हालांकि 45 डिग्री होते ही मौसम विभाग ने लू के संकेत जो है वो दे दिए हैं, लेकिन सामान्य से ज्यादा ये जो तापमान बढ़ा है जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए। अतुल आपका भी और विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।